गाइस व्हाट्स अप नमस्ते दाओ सत श्री अकाल केम छो जी आयनु सारे नु आई लव रेंज रोवर एंड माय नेम इज दी निशान ग्रोवर गाइस। सो गाइस अभी उठे हैं, मतलब 2-3 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट किया है और मैंने अपना पैर तोड़वा लिया, मतलब लग गई अभी वनिका जी को पार्सल कर रहा था मैं, बेचारी को लंगड़ा के चल रही है आजकल, पैर पे लग चुकी है, किसी ने पिछला व्लॉग देखा होगा पता लग गया होगा उनको। तो अभी किया है प्रॉपर ब्रेकफास्ट, भटूरे छोले खाए हैं हमने, तो बाकी ठीक है। बाबा भली करे, पैर दर्द होने लपड़ा यार, गिट्टा गिट्टा होता ना गिट्टा पैर वाला, उस पर क्या लग गई मेरे को। और ये हमारे पास वैसे ही बैठा हुआ एक बंदा मरीज, मनिका हॉकी खेल के आई अभी ताई ताई। ये अपना खाना पड़ा हुआ गाइस, कुछ विचार देना चाहोगे आप? मैं दरअसल यहाँ पे इसलिए आई हूँ, मुझे एक ब्रांड को कुछ फोटोज भेजनी है, दिवाली आ रही है तो मेरा पेंडिंग वर्क पड़ा है और वो मुझे कंप्लीट करना है। ब्रांड वाले बोल रहे हैं मैम ऐसे बैठ के फोटो बस हमें दे दो, पैर थोड़ी दिखाओगे आप। वाह वाह वाह, क्या करना होता है? पैसों के लिए काम करना पड़ता है, पैसों के लिए काम करना, तभी लोग तुम्हारे आगे पीछे। इफ यू आर रिच देन यू विल टीच। तो अभी देखते हैं क्या सीन है। पोपी पी वाह मेरा बच्चा, पोपी कैसा है तू? पोपी देखो ऐसे पकड़ता है, पोपू पोपू मेरा टप्पू, टप्पू सुल्तान। अच्छा अच्छा जी, ओके मेरा शेर पक्का, शेर पक्के। आज का प्लान देखते क्या होता है क्या नहीं, फिर मिलते हैं आपको। अभी ब्लॉग डालते हैं पिछला वाला, फिर देखते क्या सीन है। ओए हेलो, बोल बोल, हेलो गाइस, चाय पी लो। गाइस वक्त आ गया है वो एक चीज करने का जो दिवाली से पहले हर एक लौंडा या हर एक लड़की अपने घर पे करते हैं, सफाई, वो भी पंखे साफ करने वाली। अगर तुम 6 फुट से ज्यादा लंबे हो तो तुम्हें पंखों में पंखा साफ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो आज हमारे पास टास्क है पंखे साफ करने का, तो पंखे देख सकते हो और मेरे को देख सकते हो और ये कपड़ा देख सकते हो। आओ पंखे साफ करते हैं, फिर इसके साथ साफ करेंगे बाहर वाले कमरे के, फिर करेंगे हम फ्रिज साफ, करते ही रहेंगे कुछ ना कुछ साफ सफाई घर की धीरे धीरे, और आपको मिलवाते हैं खुद से ही। चलो फुर। बाजू ही धन में दर्द होने लग पड़ी, अब बार की बारी है कपड़े ही होना। ये देखिए ये कूड़ा चमड़ा पंखे से निकला है, ये दोनों पंखे, दोनों पंखे, दोनों कमरों के पंखे साफ हो चुके हैं, अरे निशकारे मार रहे हैं चिटे चिटे हो गए। तो अब रहता है फ्रिज, वो भी कर ले लेते हैं यार साथ बसा ना, फिर मिलते हैं आपको जैसा भी सीन होता है। बिकॉज अब थोड़ी बहुत सारी मम्मी और कर रहे हैं, वो लड़की जो रखी हुई है सारा काम कर रहे हैं, वो तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हो ही गया, अलमारीज वगैरह जो सारी क्रॉकरी है सारा साफ सूफ हो गया अलमारी, पर ये पंखे रहते थे। तो मैं ट्रैवल कर रहा था इतने दिन से, टिक के बैठा नहीं, ट्रैवल किया वहाँ से वापस आया फिर चला गया फिर आ गया, फिर ऐसे चल रहा था पूरा नॉन स्टॉप। तो अब मैं क्यों ना कर देते हैं, 4-5 दिन तो रह गए दिवाली को, एंड बस सही है अभी फ्रिज करते हैं, फिर मिलते हैं आपको जैसा भी सीन होता है। दास्तान तो सूर अपना सफर चलता रहेगा गाइस, ब्लॉग चल रहे हैं नीचे जाके देखो यार कोई नहीं हरिद्वार। कॉफी का अड्डा सही में मेरी जी, हाय वनिका, हम बैठे हैं ब्लॉग चल रहा है जो अभी डाला मैंने चंडीगढ़ में, मिंदी भी बैठ के देख रहे हैं सामने। देख रहे हो? ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, जल्दी है फ्रिज साफ करने गाइस। सफाई हो गई फ्रिज की, ये रैक तो हो गया मतलब प्रॉपर, ये वाला जो बोटल्स वाला होता है सारा क्लीन है, साफ सफाई हो गई है, ये सारा सामान है और ये अभी रहता है, देखो कितना ज़्यादा है अभी तो। इनसे साफ़ सफाई नहीं होती क्योंकि मैं ही करता हूँ, हमेशा करता हूँ, और मेरे को होता है कि मैं ही करूँ जब भी करूँ, क्योंकि साफ सफाई मेरे को अच्छे से चाहिए होती है फ्रिज की भी बाकी चीज़ों की, क्योंकि मैं गंद पसंद नहीं है यार, और जब मैं साफ़ करता हूँ ना तसल्ली से बैठ के साफ सफाई करता हूँ। अभी 15-20 मिनट हो गए इसको ही लगा हुआ था, क्योंकि ऐसी बोतलें रख देते हैं हाथ लग जाते गंदे गंदे निशान लग जाते फ्रिज में, तो सारे गंदा था, तो मैं कहा चलो सफाई करनी ज़रूरी है गाइस, और ये पानी पीने की अक्ल नहीं है दाढ़ी पे लग जाता है। तो अभी ऐसा करते हैं मैं मिलता हूँ वो थोड़ी देर में,
ये एक बारी सेटअप कर देते हैं फिर आप बताते हैं। अभी तो वाइट वाइट दिखा दिया, अभी इसके जो रैक्स हैं वो क्लीन करते हैं, फिर सामान सारा शिफ्ट करेंगे। एंड सी यू गाइस इन अ वीडियो। सफाई व्लॉग ही हो रहा है भाई साहब, दिवाली के एक दो दिन पहले ऐसे ही होता है, तो ठीक है भाई। सो गाइस फाइनली फाइनली बॉटल्स रैक इजी रैक लग चुका है, पूरा सेटअप हो चुका है, पूरा क्लीन एंड नीट एंड क्लीन, यमी यमी डीजी डीजी। अब रहता है ये, देख रहे हो जो कुछ दिन ना देखो ना तो ये सब होता है गंद। ते हैं इसको क्लीन, फिर मिलते हैं आपको। पोपी घूम रही है, पोपी कहाँ जा रही है? थक गया मैं भाई, पूरा थक गया। क्लीन 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 नीट एंड क्लीन, बस फाइनली ऑलमोस्ट डन, पूरा क्लीन हो चुका फ्रिज, बहुत ज़्यादा क्या ही बताऊँ, छोड़ो छोड़ो हो गया है। एंड पूरा एक डेढ़ घंटा हो गया, मेरे को लगे 6:30 लगा था मैं, अब 8 बज रहे हैं। एक बजे दिखा देता हूँ आपको, दिस इज द ब्यूटीफुल फ्रिज। बस ये ऊपर ऊपर रह गया इसके, वो क्लीन कर देता हूँ फटाफट, बाकी डन है। थक थक के ना शरीर पूरा थक गया है बहुत, ऐसे ना जैसे कि यार पहाड़ पुर चढ़ के आए हैं ऐसा फील हो रहा है। पर भूख लगी थी, मैंने सैलेड मंगा लिया अपने लिए, सीजर सैलेड, तो खा रहे हैं, यही भूख लग रही है भाई बहुत। डिनर अभी करेंगे, 9:30 हो रहे हैं, हो चुके हैं 9:40 ऐसा कुछ हो रहा है। देखते हैं कहाँ तक जाता है, ठीक है, मिलते हैं आपको, या फिर ब्लॉग एंड कर दूंगा या मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, ठीक है गाइस। गाइस रात के बज रहे हैं 3:15 और भूख लग रही थी, मैगी बना ली है तो खा रहे हैं, खा रहे नहीं अभी, बना के लाया ही हूँ मैं, रखा ही है, और नींद भी आई थोड़ी बहुत। शक्ल देख लो आप भी, मुंह मीठा कर लो, और वीडियो को मैं कर देता हूँ एंड, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। और मेरा हाथ बहुत दर्द हो रहा है, देखो सड़ चुका था जो पता नहीं कब सड़ा। एंड सी यू गाइस इन अ बिट, मतलब बिट नहीं, कल मिलते हैं आपको, बाय। हाय वनिका देख लो पैर बेचारी का लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है गाइस, चल मैं पकड़ लेता हूँ भाई। सो गाइस ये बनाई है मैगी, और ये बनी जगह बेचारी का पैर जो टाप टपा के आई है, तो भी लगेगा इनको भी टाइम थोड़ा ठीक होने में। देखियो मेरा हाथ, मेरे को भी कोकोनट ऑयल लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत जल रहा है। तो मिलते हैं अगली इसी वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू गाइस, रिकमेंड कर लीजिए जाना, बाय बाय।